हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज है 10 तारीख, मतलब 10 नवंबर है। तो हम लोग आज गांव जा रहे हैं, तो इसी का गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं रास्ते के खाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ खाना। तो मैं यहाँ यहाँ पे मैं पूरी तल लूँगी। यहाँ पे मैंने वीडियो स्पीड कर दिया है, तो मैं यहाँ पे खाने में मैं बनाऊंगी पूरी। मैं सबसे पहले पूरी में दिखाती हूँ, पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा पूरी तल रहा है और तलना है। यहाँ पे सब पूरी तल के रख लिया है। और उसके बाद मैं इसमें मूंगफली मूंगफली भूनूंगी। मूंगफली भून के ले जाऊंगी। बहुत सारा सामान बनाए हैं, बहुत सारा खाने के सामान हो जाता है। ऐसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग घर से ही मतलब जाएंगे सब सब कुछ लेकर, ताकि रास्ते में कुछ ये ना हो। ऐसे ही 24 घंटा में पहुंच जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं मूँगफली को फ्राई भी कर लिया हूँ। यहाँ पे फ्राई हो रहा है मूँगफली। तो हम लोग का 10 तारीख के टिकट बना था। तो ऐसे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मूंगफली भी भुन चुका है। यहाँ पे पनीर पकोड़ा बनाए थे, पनीर पकोड़ा भी बन गिया है। जो तेल जो बचा, इसमें मैं चूरा भूनूंगी, चूरा को फ्राई करूँगी। तो यहाँ उस तेल में मैं चूरा को रख दी हूँ, और उसमें उसको चलाऊंगी। चूरा बोले या फोहा, फोहा भी बोलते हैं, चूरा भी बोलते हैं। इसी में नमक डाल देंगे। मैं इसी हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। तो नमक डाल के उसको भूनेंगे, वो अपने आप पूरे फूट जाएगा, अच्छा से हो जाता है। तो मैं भून लूँगी, टाइम टाइम लगता है। और यहाँ पे गोभी का भुजिया और पनीर, मूँगफली और आलू का सब्जी, सूखा सब्जी है आलू का। और ये चूड़ा, पूरी, रोटी, इतना सारा सामान है। मेरा भाई भी मेरे मेरे साथ में, मेरा भाई भी जाएगा। तो हम 3 आदमी का खाना है। और उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार हो के उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेकअप का, जो मैं मेकअप करके और जो सामान बचा था उसको मैं सेट कर रही हूँ अपने पर्स में। तो मैं सारा सामान को मैं लगा लूँगी, जो जो मतलब इसमें रखना है, और जो गिरने वाला है उस बैग में मैं समेट के अच्छा से रख दूँगी। ऐसे सब सामान इस टाइम ना, सब सामान मैं सेत ली हूँ, मतलब रख ली हूँ, और तैयार भी हो गई हूँ। और जो भी एक दो सामान छोटा फोटा है उसको समेटना है, तो वही मैं समेट रही हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो यहाँ पे गेट उट मतलब सब कुछ देख रहे हैं। बैग वैग सब कुछ ऑटो में रख दिया है। ऑटो रिजर्व किए थे हाँ मेरे घर बेटा, से, चल ऑटो रहे में बेटा। रख दिया है। तो अब हम लोग निकलेंगे, घर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। रास्ते का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम रास्ते में। और दिवाली का टाइम है ना, तो चारों तरफ फिर चहल पहल सब होता रहता था। आइए, मेट्रो है, मतलब आगे जो मेट्रो है तो ऊपर मेट्रो चलता है। तो ये मेट्रो के सामने जगह का है। और यहाँ पर भी पुल है। मैं ये सब इसलिए मैं शूट कर ली हूँ, ताकि मैं अब पता नहीं कब दिल्ली जाऊँगी, 1 साल 2 साल के बाद। इसलिए मैं ये सब मतलब यादगार बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये सब शूट कर ली हूँ। यहाँ पे गाड़ी जाम हो गया था, और करीब बहुत देर तक गाड़ी जाम रहा, 10-15 मिनट। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये हम सब आदि यादगार बनाने के लिए मैं ये रास्ते का व्यू मतलब थोड़ा सा शूट कर ली हूँ, ताकि मुझे जब जब मतलब याद आए तब तक मैं ये वीडियो सब देख लूँगी उठा के। इसलिए और यहाँ भी है। यहाँ पे रास्ते में बहुत अच्छा सजाया हुआ था, पूरे लाइट उट सब कुछ लगा हुआ था। ऐसे दिवाली में अभी 3-4 दिन है। 14 तारीख को दिवाली है, हम लोग 10 तारीख को घर से निकले हैं। तो फिर भी बहुत अच्छा मतलब लग रहा था, रोड में पूरे सज गया था, ये रोड उड सब, घर उड सब। और यहाँ पे मैं
आ चुकी हूँ, अब पहुँचने वाली हूँ। और इधर ही आज आज जो था ना बिहार का इलेक्शन जो था उसका मतलब रिजल्ट रिजल्ट आ गया था, तो उसका भी ऑफिस था वहाँ पे, तो हम लोग उसके ऑफिस में भी थोड़ा देर मतलब जाम था वहाँ पे। और यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए हैं मतलब। हाँ ये स्टेशन देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना स्टेशन का, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं ऑटो में ही, ऑटो से ही शूट कर रहे हैं। और गांव आते आते ना मुझे इतना सर्दी खांसी इतना जुकाम हो गया है कि मेरा पूरे गला ख़राब हो गया है। गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ भी थोड़ा चेंज आता होगा, मेरा ही आवाज़ है, आप लोग मत कहना कि दूसरे का आवाज़ है, मेरा ही आवाज़ है। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है अभी, सर्दी बहुत हो चुका है ना इसलिए। और यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं, उतर गए हैं गाड़ी से। और यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपना ऑटो से सामान उतार रहे हैं, सब कुछ बहुत सारा सामान हो गया था। ये डिनर सेट, और डिनर सेट भी हम लोग लेके आए थे, अगले साल का था, गिफ्ट में मिला था मेरे हस्बैंड को। तो ये डिनर सेट और सब कुछ लेके आए थे, करीब 8-9 तो हो ही गया था सब मिला के। और यहाँ पे मतलब यही बात कर रही, यहाँ पे कूली था तो कूली भी मतलब बात कर रहे थे सामान पहुँचाने के लिए ट्रेन में, तो वो लोग ट्रेन तक छोड़ देते हैं सभी सामान को। उसके बाद में यहाँ पे स्टेशन में दिखा रही थी कितना सुंदर सजा हुआ है, तो वही मैं नज़ारा दिखा रही थी, कितना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे मैं हूँ वही दिखा रहे हैं, तो सब मास्क लगा के सब रहते हैं। और ये सूट में ली हूँ, कैसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, पहुँच गए कहाँ, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जो सामान जो होता है ना मतलब सामान जो इसको मतलब चेक नहीं होता है, सामान यहाँ पे जो रख के मशीन में चेक होता है वह वहीं पे मतलब आ गए हैं, तो सभी सामान को यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे सभी सामान को रख के और उसके बाद अंदर से सभी सामान आ जाएगा चेक होके, उसके बाद हम लोग स्टेशन जाएंगे गाड़ी के पास, जे कितना नंबर पे कितना प्लेटफार्म पे आता है गाड़ी, उस गाड़ी पे। और यहाँ पे देखिए सारा सामान आ चुका है यहाँ पे, और हस्बैंड देख रहे हैं कि कौन सी नंबर पे है, कौन सी मतलब जाना है, तो वही देख रहे थे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, देख कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, ये सभी बहुत यादगार रहता है ना। बेटू क्या लिया है, कुकु लिया है, अभी नहीं। कानपुर सेंट्रल, गोंडा जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, यहीं पर मैं आ रहा हूँ। दिस ट्रेन इज नाउ रेडी फॉर डिपार्चर फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 8. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल जर्नी। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी का नंबर 0208906 दिल्ली। तो मैं अब मेरे हस्बैंड लेके चल गए हैं सारे सामान, अब मैं जा रही हूँ, आयुष भी साथ में चल गया है, तो हम लोग अब चले जाएंगे सामान सब लेके ट्रेन में। और यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे बहुत ठंडा लगा था तो मैं स्वेटर पहन ली, तो यहाँ पे खाना वाना का टाइम हो गया है, वो खाना हम लोग खा रहे हैं, तो आयुष को भी खिला रहे थे। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा आगे तक शूट नहीं किया, अब मैं अगला वीडियो में दिखाऊंगी कि मतलब स्टेशन से गांव में घर तक ससुराल तक का वीडियो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा। सो गए पापा, सो गए पापा। तो आप लोग वेट करिए अगले वीडियो का, अगले वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गांव में सोएंगे? नहीं तुम तो?